हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो अनबॉक्स विद विनय। सो गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे गाइस रेडमी का 11 प्राइम वाला मोबाइल, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड ये अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। अंडर 15,000 के अंदर में आप लोग को मिल जाएगा, 15,000 के अंदर में। सो गाइस, बात करते हैं हम लोग इसके फीचर की। तो सबसे पहले हम लोग इसके कलर की बात करते हैं। तो ये कलर ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे आप लोगों को। फ्लैशी ब्लैक कलर में आप लोगों को मिल जाएगा, प्लेफुल ग्रीन कलर में आप लोगों को मिल जाएगा एंड पैपी पर्पल में मिल जाएगा आप लोग को। सो बात करते हैं हम लोग इसके फीचर्स की। इसमें आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा 4GB रैम एंड 64GB रोम का, एंड सेकेंड अवेलेबल ऑप्शन रहेगा 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज। आप अपने हिसाब से आप खरीद सकते हो, आपको कौन सा अच्छा लगता है, डिपेंड्स ऑन यूर यूजेस। ओके, एंड इसका एक्सपांडेबल स्टोरेज है 512GB तक आप आराम से मेमोरी लगा सकते हो एंड स्टोरेज आप लोग एक्सपांड कर सकते हो। इसका SD कार्ड स्लॉट का आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। एंड भाई, बात करते हैं हम लोग इसके डिजाइन की। तो भाई, डिजाइन मत पूछो यार, एक नंबर डिजाइन लग रही है इसकी, सीरियसली। ये ड्यूएल 4G नैनो सिम के साथ में आता है आराम से। 5G नहीं है, 4G है, लेकिन बहुत अच्छा है भाई। और आज के टाइम पे 5G चल रहा भी नहीं है, 5G दिखा रहे हैं लेकिन 5G का टावर भी आने का है, इसलिए अभी ये 4G लॉन्च कर रहे हैं। इसमें आप लोग को 16.71 सेंटीमीटर का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा विद एडेप्टिव सिंक डिस्प्ले। इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट है एंड 20:9 एक्सपेक्ट रेशियो है, जो कि आप अपने पिक्चर्स को क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। सो गाइस, इसके बात करते हैं हम लोग कैमरे की। तो भाई, 50MP AI का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 2MP डेप्थ सेंसर दिया गया है, 2MP डेप्थ सेंसर दिया गया है एंड भाई 2MP का मैक्रो कैमरा भी दिया गया है इसमें। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो ये मिलेगा आप लोग को 8MP में, जो कि आज के टाइम पे 8MP भी इनफ है फ्रंट कैमरा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें बात करते हैं पावर टेक की। तो भाई, मीडिया टेक हेलियो G99 6 Nm का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है इसमें, जो कि आप लोग को गेमिंग के लिए इम्प्रूव करेगा। गेमिंग में कोई लैग नहीं, कोई हैंग नहीं मारेगा, इवन जो भी आप लोग मोबाइल चलाओगे तो आराम से स्मूथली चलने वाला है इसकी ऑक्टा प्रोसेसर के वजह से। ठीक है भाई, इसकी बैटरी की बात करते हो 5000mAh की बैटरी मिलेंगी। 22.5W का फास्ट चार्जर मिल जाएगा टाइप सी का आप लोगों को, ये गेमिंग के लिए भी अच्छा हो गया। इवन कैमरा क्वालिटी भी अच्छी, आप लोग वीडियो शूट अच्छे से कर सकते हो, इवन व्लॉगिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है। फास्ट चार्जिंग भी मस्त है एंड बैटरी बैकअप भी बहुत क्लास है डूड। इसमें आप लोग को ऑडियो जैक जो 3.5mm का मिल जाएगा। के वेट की बात करते तो ये 201, ये 201 ग्राम का है एंड लाइट वेटेड है भाई, ज्यादा हैवी नहीं है ये। सो कैसा लगा आप लोग को, मेरे को कमेंट में जरूर बताना ये मोबाइल। अगर आप लोग को इसका प्राइस चेक करना है तो भाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वो क्लिक करो लिंक को एंड आप लोग चेक कर सकते हो प्राइस। आप लोग लेने का ख्याल होगा तो आप बिल्कुल, मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा, जाओ जाके चेक करो एंड आप चेक करके खरीद भी सकते हो, क्योंकि मैंने आप लोग को पूरे फीचर बता दिया हो। अगर आप लोग को यहाँ पे भी यकीन नहीं होता तो भाई जाओ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेक करो, आप अपने आंखों से वहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। बट मेरे तरफ से जो रिकमेंड रहेगा कि भाई आप ये मोबाइल को खरीद सकते हो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। सो चेक यूअर प्राइस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड लाइक करना एंड ऐसे ही सपोर्ट करना डूड, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे ही मोबाइल के रिव्यू लाता है, गैजेट्स के रिव्यू लाता है। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू, बाय।